अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी किचन पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी व्यूवर्स का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ अपने तहे दिल से, जिन्होंने मेरी एक स्नैक रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है जो मैंने खुद इन्वेंट की थी। तो इसी के चलते मैं आज फिर आपके सामने एक ऐसी इनोवेटिव डिश को लेकर आई हूँ, एक ऐसी स्नैक रेसिपी को लेकर आई हूँ जो कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि ये घर में मौजूद बचे हुए दाल चावल से मैं आज इसे बनाऊंगी। ये स्नैक रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। दाल चावल सभी घरों में बनाए जाते हैं और सभी की पसंदीदा रेसिपी भी होती है, लेकिन जो दाल चावल हमारे यहाँ बच जाते हैं, जिसे कोई खाना पसंद नहीं करता सेकेंड टाइम या फिर ओवरनाइट के बाद, तो उन दाल चावल का क्या किया जाए? फिर एक ही हल निकलता है, या तो वो किसी को दे दिए जाएँ या फिर उन्हें फेंक दिया जाए। तो इन दाल चावल को बचाने के लिए और इन्हें एक नया रूप देने के लिए आज मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने इन्हें घर पे बनाकर देखा है। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करूं, आप व्यूवर्स को भी ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए बताते हैं कि दाल चावल से बने हुए स्नैक हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मैंने चावल ले लिए हैं, ये मेरे पास एक प्लेट से ज़्यादा हैं और ये मेरे बासमती राइस हैं। आप इसकी जगह पक्के चावल पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास एक कटोरी से ज़्यादा मूंग मसूर की दाल है। इसके अलावा अगर आप कोई और दाल पसंद करते हैं, जैसे मलका मसूर की दाल या तुअर दाल, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक कटोरी भरकर मैंने ये धनिया पत्ती ले ली है और इसे मैंने चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है फाइनली, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामान ले लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है और मैंने इन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसकी जगह आप आलू भी ले सकते हैं, बॉयल आलू या फिर बॉयल मटर भी ले सकते हैं फिलिंग तैयार करने के लिए। और यहाँ पे फिलिंग में डालने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने यह 1/4 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि मैं इसे दाल में भी ऐड कर सकती हूँ। दाल चावल को जब हम मिक्स करेंगे और उसमें हमें अगर नमक मिर्च कम लगा तो मैं यहाँ उसमें ऐड करूँगी, बाकी मैं फिलिंग के अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करूँगी ये दोनों चीज़ें। और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर, और 5-6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसे भी मैं दो जगह ऐड करूँगी, दाल चावल में और फिलिंग के अंदर। और 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इसका मैं गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी स्नैक को डिप करने के लिए। और यहाँ पर मैंने स्लाइसिस चीज़ ले ली है, ये मेरे पास अवेलेबल थी, मौजूद थी, इसलिए मैं यहाँ इसे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि स्नैक्स के अंदर से चीज़ पिघलता हुआ निकलता हुआ बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो ये मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर डालना चाहें तो इसकी जगह आप प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेट करके। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं जिन्हें मैं कोट करूँगी स्नैक्स के ऊपर। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम 1/2 अनियन डाल देंगे, 1/2 हम फिलिंग के लिए बचा देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसे सॉटे कर लेंगे 2 मिनट। आप देख सकते हैं प्याज हमारी सॉटे हो चुकी है, तो यहाँ पर अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर भी हम 1/2 ही डालेंगे, 1/2 हम फिलिंग के लिए बचा देंगे, इसे भी सॉटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चले हैं, तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे इसमें 1/2 ग्रीन चिली, मिक्स करेंगे इसे, और यहीं पर हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी दाल को। इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें एक बॉईल लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, दाल में हमारे बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल और इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम में इसी तरीके से मिक्स करते हुए इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे, चलाते हुए बहुत अच्छे से पका लेंगे। दाल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए चावलों में। ये देखिए
व्यूअर्स, दाल चावल को बहुत अच्छे से पका लिया है हमने, इसका पानी ड्राई कर लिया है और इसका पानी ड्राई हो गया अच्छे से। यहाँ पर अगर आपकी दाल ज़्यादा है तो वो भी चल जाएगी, और अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप इसमें नमक मिर्च ऐड कर दीजिए, वो भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसका पानी ड्राई कर लिया है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पर नमक मिर्च ऐड नहीं किया है क्योंकि दाल चावल में नमक मिर्च एकदम से परफेक्ट है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। दाल चावल को मैं एक प्लेट में शिफ्ट कर दूंगी और इसे इस पे अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसे पूरी प्लेट में फैला लूंगी और अच्छे से सेट कर लूंगी। दाल चावल को मैंने प्लेट में अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा भी हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। दाल चावल को ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं फिलिंग की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी। जीरे को हल्का सा तड़कने देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज और इसे मिक्स कर लेंगे ऑयल में अच्छे से, और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे सौटे कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज को हमने 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पे सौटे कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे भी हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर भी हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें पाउडर मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, चाट मसाला पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर दूंगी, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर और प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हमारी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। 1 मिनट हो चुका है हमारी ग्रेवी को स्लो फ्लेम पर पकते हुए कवर करके, और ये देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज और धनिया पत्ती, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और यहीं पर हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और फिलिंग हमारी एकदम से रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसे हम पहले ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा सभी सामान ठंडा हो चुका है, तो अब हम स्नैक बना लेते हैं। तो हम चावल का एक पोर्शन लेंगे हाथ पर और इस तरीके से इसे हाथ हथेली पर फैला लेंगे। अब इसके बीचों बीच हम रखेंगे चीज़ स्लाइसेस, जिसे हमने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। इसमें हम थोड़ी सी फिलिंग रखेंगे अपनी, और फिर से इसके ऊपर चावल की दूसरी परत रखेंगे और इस तरीके से इसे गोल गोल राउंड ऑन बना लेंगे, इसे गोल शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। इस कॉर्नफ्लोर में हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लिया है।
अब हम इसे इसमें डिप करेंगे। उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा स्नैक एकदम से रेडी है। और इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स रेडी कर लेंगे पहले बनाकर, उसके बाद हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए सेकेंड टाइम भी हमने इसे बना लिया है। अब हम इसे भी कॉर्नफ्लोर की कोटिंग से कोट कर लेंगे डिप करके अच्छे से, और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स रेडी कर लेंगे पहले। तो ये लीजिए व्यूवर्स, अपने सभी स्नैक्स को बनाकर हमने रेडी कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये अच्छे से हमने बना लिया है इन्हें। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल को मुझे तेज गरम करना है। जब मेरा ऑयल तेज गरम हो जाएगा तो मैं आंच को स्लो कर दूंगी। तो फिलहाल मुझे इसे तेज गरम करना है। बहुत से मेरे व्यूवर्स की ये शिकायत है कि जब उन्होंने स्नैक्स बनाए तो वो तेल में जाने के बाद फट गए। तो व्यूवर्स यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑयल का टेम्परेचर है स्टार्टिंग में हाई होना चाहिए, उसके बाद आप फ्लेम को स्लो कर लें और फिर एडजस्ट करते हुए उसे फ्राई करें, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे उसे नहीं डालेंगे तो वो फट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। हाई फ्लेम पे स्नैक्स जब हम तलते हैं तो उसके पोर्स बंद हो जाते हैं, तब वो फटते नहीं है। तो बस एक इसी एक चीज का आपको ध्यान रखना है, उससे आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक आपके स्नैक्स बन करके रेडी होंगे। तो ऑयल को हम तेज गर्म हो जाने देंगे। इस टाइम ऑयल हमारा तेज गर्म हो चुका है और आंच को हमने इस वक्त बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब हम एक एक करके अपने स्नैक्स इसमें ऑयल में डाल देंगे। अब हम इसे टर्न कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, स्नैक्स हमारे गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे पेपर टॉवल पर, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हमारा पेपर टॉवल पर आ जाए। देखिए कितने शानदार माशाल्लाह स्नैक्स बनकर रेडी हुए हैं। और जब आप ये अपने बच्चों के सामने सर्व करेंगे तो वो इस चीज का पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने बचे हुए दाल चावल से ये स्नैक्स रेडी किए हैं। ये देखिए अब हम इसी तरीके से अपने बाकी के स्नैक्स भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए व्यूवर्स, हमारे बचे हुए दाल चावल से बने सुपर टेस्टी स्नैक्स एकदम से रेडी हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। आप इसे बच्चों के सामने गर्म गर्म सर्व कीजिए चटनी के साथ और सॉस के साथ, उन्हें बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा व्यूवर्स। मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम से सॉफ्ट। और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना यमी लग रहे हैं ये। और इसमें से आप देखिए किस तरीके से चीज़ बाहर आ रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और मेरी आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं फिर हाजिर होती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।